झांसी में बेखौफ मोरंग माफियाओं की काली करतूत सामने आई है, जहां माफियाओं द्वारा नदी की जलधारा को रोककर अवैध खनन किया जा रहा है। नदी के बीच जलधारा में पुल बनाकर अवैध तरीके से बालू निकाली जा रही है। प्रशासन से बेखौफ भूमाफिया झांसी जनपद के पट्टाधारक और नदी की जलधारा को रोककर अवैध खनन कर रहे हैं और नदी के बीच जलधारा में पुल बनाकर अवैध तरीके से बालू निकाली जा रही है। पूरा वाक्य झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र का है, जहां खनिज विभाग की मिलीभगत से मध्य प्रदेश की सीमा से सटे मऊरानीपुर तहसील के ग्राम नवादा व खकोरा की जलधारा रोककर अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं ग्राम नवादा में लगभग 6 माह से भी अधिक समय से खनन माफियाओं द्वारा जमकर खनन किया जा रहा है, फिर भी खनन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और खनन माफिया लगातार नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन कर रहे हैं। नदी से रेत निकालने के लिए प्रतिबंधित भारी भरकम मशीनों का भी प्रयोग किया जा रहा है। बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में अवैध खनन न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि यहां की जमीनी जल स्तर को और कम करता जा रहा है। वाटर लेवल कम होने से कई गांवों और कस्बों में पीने के पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही साथ बैतवा नदी में स्थित जलीय जीव और वनस्पतियां भी नष्ट हो रही हैं। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।